इंशाल्लाह इंशाल्लाह यकीन इसको खातिर जमा रखें कि इमरान खान के जो है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उनकी कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड होगी और वो इलेक्शन में भरपूर अपनी जमात का जो है क्यादत भी करेंगे और हिस्सा भी लेंगे। आपकी वो नाकाबिले बर्दाश्त है और इसलिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि चूँकि तमाम इदारे आपके ताबे हैं, आप हिदायत और हुक्मनामे जारी करें, लेकिन आपने देखा कि सारे मुल्क में दो दिन बढ़ तो गया लेकिन सारे मुल्क में हमारे उम्मीदवारों को उठाया गया जो कागजात नामजदगी दाखिल कराने के लिए जाते थे, और फिर उनके प्रपोजर और सेकेंडर्स को उठाया गया, फिर उन पर जो है 216 के ताज़ीरात पाकिस्तान के पर्चे दर्ज किए जाए गए कि जी आपने मफरूर को पनाह दी है इसलिए कि कागज़ आप लिए फिर रहे हैं तो ये मफरूर को पनाह देने के मुतरादिफ हैं, और फिर जो तशद्दुद के उस फिज़ा जो कायम की गई, अगरचे ये तो सारे पाकिस्तान ने और दुनिया ने देखा कि रिकॉर्ड उम्मीदवारों ने पीटीआई के नामजद उम्मीदवार होने का दावा करते हुए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए पाकिस्तान में, रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। अगर पीटीआई इतनी ही गैर मकबूल है तो फिर आपको खौफ किस बात का है, तो फिर इतने लोग क्यों जो है वालेहाना तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार बनने की खां हैं और कर रहे हैं, वो भी उन्होंने रिकॉर्ड मंगवा लिया है उसका, वो हमने भी पता करवाया है, वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में प्रोसेस हो रहा है, उम्मीद है कि वो भी इंशाल्लाह फिक्स होगा ताकि ये जो स्क्रूटनी के मरहला है जिसमें से मैं खुद गुजरा हूँ, स्क्रूटनी के मरहले में हमारे प्रपोजर सेकेंडर को अगवा न किया जाए और उनकी अदम हाजिरी की वजह से या उम्मीदवार की अदम हाजिरी की वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद न किए जाएँ, ताकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर क्या देनी है लेकिन चलें प्लेइंग फील्ड ही दे दें। इलेक्शन तो 8 फरवरी को इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने यकीनी बना ही दिए हैं, बाकी ये हमारे उम्मीदवारों को कम से कम एक्सेस तो होनी चाहिए, ये आज़ादी जो है वो जो कि पाकिस्तान की आइन में बुनियादी फरीजे के तौर पर बुनियादी हक के तौर पर मुंजबित है उसको यकीनी बनाया जाए। सो ये कंटेम्प्ट वाली भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस असर मिनल्ला साहब की सरबराही में है, मुझे उम्मीद है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब किसी तीसरे जज साहब को भी शरीक बेंच करके वो फैसला, वो जो हमने नालिश की है, पटिशन की है कि कन्विक्शन को सस्पेंड किया जाए, इंशाल्लाह लगेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यकीन इसको खातिर जमा रखें कि इमरान खान के जो है कागजात नामजदगी मंजूर होंगे, उनकी कन्विक्शन भी इंशाल्लाह सस्पेंड होगी और वो इलेक्शन में भरपूर अपनी जमात का जो है क्यादत भी करेंगे और हिस्सा भी लेंगे। बताएंगे जैसे आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि सारे इदारे आपके ताबे हैं, 3 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को अहदे से हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसकी क्या वजह समझते हैं कि ये इलेक्शन पे किस तरह के असर डालेगा? एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन 3 मरतबा खत लिखता है लेकिन उसके बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं होता। देखें हमारे खिलाफ तो तौहीन अदालत में आज भी माशाल्लाह जेल जा रही हैं 5 मेंबरान, ये भी दुनिया की तारीख का एक अजूबा है कि 5 मेंबरान झंडों समेत गाड़ियों समेत जेल जा रहे हैं, एक तौहीन अदालत जो फौजदारी मुकदमा भी नहीं होता टेक्निकली, वहाँ जा रहे हैं कि तौहीन हो गई है उनकी, तो इससे बड़ी तौहीन क्या होती है जो आपने फरमाया कि 3 मरतबा ये हुक्म किया है और 3 मरतबा उसकी जो है डिफाइंस हुई है, अमलदारी नहीं हुई। ये चीफ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी इनको अंदर कर दें तौहीन अदालत में, और आईजी को भी अंदर कर दें तौहीन अदालत में, देखें फिर अमल कराएं ना अपने ऑर्डर्स पे।